अच्छा सुभद्रा जी, अब इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको फिर सानिध्य मिला और लंबा साथ रहा आपका मधुब जी के साथ, जिन्होंने आपको बतौर शिष्या काफी समय संगीत की बारीकी, संगीत का जो दर्शन है, संगीत का जो आध्यात्म है, सब कुछ सिखाया। एक गुरु के तौर पर उनको आप कैसे देखती हैं? मेरे मन में उनके प्रति बहुत मान है। देखिए, गुरु होना इतना आसान नहीं है। शिक्षक तो बन जाते हैं, लेकिन शिक्षक से गुरु का स्थान पाना ये गुरु के हाथ में होता है। और बिल्कुल जो मेरे गुरु जी ने मेरे जीवन में उन्होंने दिखाया है, वो मार्गदर्शन उनसे उनसे मैंने पाया। जब शुरुआत के समय में स्वर कैसे लगाना है, तो तानपुरे कैसे मिलाना है, तानपुरे सुर में तानपुरा मिलाने का जो मतलब है वो, फिर तानपुरा मिला के कैसे एक स्वर को किस तरह से इसको पकड़ना है। आज भी अगर जब कहीं मैंने गाया या उन्होंने सुना तो कहते हैं कि अच्छा ये स्वर इस पे ध्यान दें। अब देखिए, ये गुरु का काम है। ऐसा नहीं कि 6 साल 10 साल 15 साल सीख के कोई चला गया और खत्म हो गया, वो नहीं। तो वो उनका वो जो सही वक्त पे सही बात बता देना, और हर चीज बता के भी नहीं होता है, उनका सानिध्य से भी बहुत बातें बिल्कुल सीखने बिल्कुल मिलती। तो डांट बहुत खाई है बहुत ज्यादा, और रो रो के घर गई हूँ कि ये सोच के कि कभी और गाऊंगी नहीं लेकिन गाना तो था ही, चाहे कितनी भी डांट पड़े। और आज समझती हूँ, जब मैं अब पिछले 30 साल से मैं भी सिखा रही हूँ, आज समझती हूँ कि गुरु का डांट पड़ना कितना जरूरी है। कहीं पे गाया, वहां पे हजारों में ऑडियंस तो, अब उसके बाद प्रोग्राम के बाद उन्होंने उस दिन नहीं, बाद में उनके पास जब गई तो उन्होंने हर चीज को बोल बोल के समझाया। तो उसके लिए ये बात तो है कि अपने को बहुत स्ट्रांग बना के रखना चाहिए कि हाँ मैं टूटूंगी नहीं, क्योंकि वो बात गुरु ही कर सक दे सकता है कि ये ठीक नहीं है, ये रास्ता है। वो तो वो रास्ता जो दिखाना है कि यहाँ राग सीखना मतलब राग के स्वर सीख गए, उसके कैसे चलन सीख लिया, उसके दो चार बंदिशें सीख ली, वो बात नहीं है। बिल्कुल राग सीखना मतलब उसके अंदर प्रवेश करना, उसके अंदर डूबना, ये मैंने उनको देख के सीखा कि किस तरह से एक राग में वो डूबते थे। और वो डुबकियां हम लोगों को लगाते थे, अब भी वो ये करते हैं। तो हमेशा अब तो, क्योंकि मैं भी मेरे भी बहुत सारे काम अपने एंगेजमेंट्स होते हैं, मैं इसलिए रोज तो उनके पास नहीं जा सकती, पर जैसे मौका होता है मैं उनके पास जाके देखती हूँ। और वही बात उन्होंने अभी भी इतने वर्षों राग में खुद डूबना और सामने वाले को डुबकी दिलाना, ये काम उनका बहुत बहुत यूनिक है। मैं बीच में बहुत मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि मुझे उस वक्त, मैं आपसे अगला सवाल जो पूछने वाला था उसी का जवाब मिल रहा था वो, कि कहा जाता है बहुत सख्त हैं मधुब जी, बहुत ही मतलब कठोर किस्म के गुरु हैं और बख्शते नहीं हैं अपने शिष्यों को। मैं अब समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि अब आप खुद एक परिपक्व कलाकार तो बन ही चुकी हैं, अब आप सिखाती हैं जैसा आपने कहा और कई बरसों बरस से सिखाती हैं, क्या लगता है ये उनकी सख्ती थी जो उनके बिहेवियर में है, या फिर वो अनुशासन था, डिसिप्लिन था जो वो आप लोग को अपरोक्ष तौर पर दे रहे थे, और अब वो आपको समझ में आता है कि नहीं यार, वो जो डांट उस वक्त खाई थी, उस वक्त तो आंसू निकले थे, लेकिन आज उसका जो महत्व है वो हर मिनट समझ में आता है। देखिए, परसिवियरेंस इज द वर्ड। गुरु अपना काम करेंगे, वो क्या इसमें है ना, इस भजन में, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। चला बिल्कुल कुमार जी ने उड़ जाएगा हम सकेला, उस जी। कवि का वो भजन में है ये पंक्ति। तो उन्होंने अपना काम किया, उसके बाद उसको कैसे आत्मसात करना है वो
शिक्षक ऊपर होता है, तो ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं उससे डर के या मैं उससे पीछे रह सकती, बट मैंने देखा कि तो डर गई, टूट गई, तो फिर क्या, फिर तो गाना चाहे कितना आए लेकिन उसका पीछा छोड़ना नहीं है। स्वर को आगे जहां तक हो सके उसको परस्यू करना है, उसका देखना है वो कहाँ है, वो स्वर जो स्वतः रंजय है, अपने आप जो इल्यूमिन इल्यूमिन इन इटसेल्फ, उसका कहाँ है, उसको देखना है, उसको ढूंढना है, चाहे लग जाए जीवन कोई बात नहीं। तो ही इज अ डिसिप्लिनरियन एंड इट हैज वर्क्ड फॉर मी, मैं ये कहूंगी। और बट जब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सालों से मेरे पास सीखते हैं और अच्छे से सीख रहे हैं और गंभीरता से संगीत को लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो मैं, हो सकता है कि वो एक, जैसे मैं महिला हूँ, एक माँ जैसा एक वो रहता है जैसे संतान के प्रति, हो सकता है उनको भी ऐसा रहा होगा, बट उन्होंने वो दिखाते नहीं है, उनके मन में भी जरूर वो बात कहीं ना कहीं है, मुझे मालूम है, कभी वो कहीं नजर आ जाती है कि जो स्नेह की बात कर रही हूँ, एक ममत्व की बात कर रही हूँ, तो मैं, हो सकता है कि महिला होने के कारण मेरे में वो बात, मैं इतनी सख्ती नहीं कर सकती अपने स्टूडेंट से, मैं जानती हूँ कि उनको अगर करना है वो खुद करेंगे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मेरे गुरु जी के पास भी बहुत लोग ऐसे, बस वही है कि उस पर डटे रहना। एक और आपका राग भोपाल तोड़ी है हमारे पास, तो वो भी सुनते हैं और फिर इस बातचीत में आगे बढ़ेंगे। आ
ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।